भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं तो ऐसे बेहतर ढंग से बोल सकता हूँ, लेकिन आज बेहतर ढंग से बोलने वाला नहीं हूँ, तो आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं बहुत 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 ही गौरवान्वित यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। क्यों मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं कृष्णा हुंडई में हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोरबा के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों में से एक में यहाँ पर हूँ, वो तो एक रीजन है ही। इसलिए भी मैं गौरवान्वित हूँ कि कोरबा के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान में मैं हूँ। इसलिए भी बहुत गौरवान्वित मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि अशोक भैया जी के सामने मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। इसलिए भी मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि राजा मोदी जो मेरे छोटे भाई है उनके सामने मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। मैं गौरवान्वित इसलिए भी महसूस कर रहा हूँ कि सामने ये जो चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं, इस विचारधारा से मैं और मेरा परिवार, मेरी माता जी की तरफ का परिवार भी और मेरे पिताजी की तरफ का परिवार भी, पीढ़ियों से इस विचारधारा के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि ये एक व्यावसायिक संस्थान है, लेकिन आज का देश, आज का दिन कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, आज का सेलिब्रेशन कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। ये मत बोला कीजिए कि 15 अगस्त मनाने वाले, 15 अगस्त तो एक तारीख है, ये बोलिए कि स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले। ये बोलना आपसे बंद कीजिए कि 26 जनवरी मनाने वाले, 26 जनवरी तो एक तारीख है। ये बोलना शुरू कीजिए कि गणतंत्र दिवस हम मनाने वाले हैं जो 26 जनवरी को पड़ता है। ये बोलना बंद कर दीजिए कि सभी स्टाफ का स्वागत है, ये बोलना शुरू कर दीजिए पूरी टीम का स्वागत है, क्योंकि हम सब एक टीम है, एक टीम बन करके हम लोग सब खेलते हैं। जोश में मेरा कागज गिर गया, परंतु आज का जो मैं उद्बोधन आपके सामने करना चाहता हूं, मुख्यतः मैं यहां पर एक वक्ता के तौर पर नहीं आया हूं, परंतु एक डॉक्टर के तौर पर भी आया हूं और बिलासा ब्लड बैंक को रिप्रेजेंट कर भी कर रहा हूं। बिलासा ब्लड बैंक को मैं बिलासा ब्लड बैंक की तरफ से भी मैं यहां पर आया हूं। व्यक्तिगत तौर पर अभी मैंने एक बीड़ा उठाया है, गिनीज विश्व रिकॉर्ड होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि वैश्विक स्तर पे जिसका असर असर हो, और ये मुझे बताते हुए खुशी भी होती है, गर्व भी होता है कि मेरे नेतृत्व में, मेरे सहयोग के द्वारा आज का ये 78वां ब्लड डोनेशन कैंप है जो आज मैं चलाने में सफल रहा हूं। ये कोई भी मैंने अकेले नहीं किया, इसमें बिलासा ब्लड बैंक का साथ था, दूसरे संगठनों का साथ था, आज कृष्णा हुंडई का साथ है। रक्तदान महादान होता है। क्यों रक्तदान महादान होता है? मेरा ऐसा मानना है, और मैं पैसे को कम नहीं आंकता, मेरा ऐसा मानना है कि पैसे का दान सबसे छोटा दान है। पैसे के दान की महत्व को मैं कम नहीं आंक रहा हूं। पैसा जाता है, वापस भी आ सकता है। समय का दान उससे थोड़ा बड़ा दान है, क्योंकि समय गया हुआ वापस नहीं आता। अगर आप समय देते हैं, मतलब आप थोड़ा और बड़ा दान दे रहे हैं। पर रक्तदान को महादान कहा गया है, क्योंकि रक्तदान एक मनुष्य करता है, वो मनुष्य जिसके शरीर में ही वो रक्त बनता है, एक मनुष्य ही मनुष्य को रक्त दे सकता है। इसलिए रक्तदान महादान है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए, आप 10 एक्स्ट्रा प्लांट बना लीजिए और वहां पर आप ऑक्सीजन बना लीजिए। रेमडेसिविर की कमी हो जाए, आप 10 एक्स्ट्रा फैक्ट्रियां बना लीजिए और वहां पर रेमडेसिविर की दवाई बना लीजिए। अगर ब्लड की कमी हुई तो जब तक एक इंसान सामने नहीं आएगा तब तक रक्त मिल ही नहीं सकता, और इसीलिए रक्तदान जो है वो महादान है। और हम सब अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, हम सब अपने आप को सभ्य मानते हैं, हम सब अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं, हम समाज के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ही करेंगे। फिर क्यों ऐसा होता है? कोविड काल हो चाहे ना हो, ये मैं सबको डांट रहा हूं और अपने आप को भी डांट रहा हूं, फिर क्यों ऐसा होता है कि कभी किसी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है? हम सभ्य लोग हैं ना, हम लोग सभ्य लोग हैं ना। एक रक्तदान करने में क्या जाता है आपका?
350 ml ब्लड जो ब्लड बैंक वाले सब कुछ खुद करते हैं, परंतु अगर आप एक ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं और वो कंपोनेंट ब्लड बैंक अगर है जैसा कि दिलासा ब्लड बैंक है, उस ब्लड को तीन हिस्सों में बांटा जाता है और वो एक यूनिट ब्लड तीन लोगों की जान बचाता है, तीन लोगों की जान बचाता है। आज जो लोग ब्लड डोनेट करेंगे वो तीन लोगों की जान बचाएगा, आपको पता नहीं चलेगा उसने किसकी जान बचाई, उस व्यक्ति को शायद पता नहीं चलेगा वो आप थे जिसने वो ब्लड दिया, परंतु दुआओं का आदान प्रदान दिल से दिल का तो होता ही है। मुंह से निकली हुई बात कान तक जाती है लेकिन दिल से निकली हुई बात दिल तक जाती है, और इसीलिए रक्तदान महादान होता है, खास करके लाइसेंस ब्लड बैंक, कंपोनेंट ब्लड बैंक और दिलासा ब्लड बैंक में तो मैं स्वयं ब्लड बैंक ऑफिसर हूं। एक बात को मैं कह रहा हूं, हो सकता है आपको चुहे, लेकिन फिर भी ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर सीनियर लोग भी है जूनियर लोग भी है। किसी भी सभ्य संस्कार किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी सभ्य समाज में अगर कोई ब्लड बैंक ब्लड में ब्लड अगर नहीं है, किसी भी सभ्य समाज के पास का ब्लड बैंक अगर खाली पड़ा है, इससे बड़ा अभिशाप मैं उस सभ्य संस्कार को मैं नहीं मानता। अगर वहां का ब्लड बैंक खाली है उससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे की कमी पूरी हो सकती है, ब्लड का ब्लड तभी पूरा होगा जब कोई सामने आकर के डोनेट करेगा। आपके एरिया का ब्लड बैंक अगर खाली पड़ा हुआ है इससे बड़ा अभिशाप आपके समाज के लिए नहीं हो सकता। एक डॉक्टर के रूप में, एक ब्लड बैंक ऑफिसर के रूप में, एक सभ्य नागरिक के रूप में और दिलासा ब्लड बैंक के ब्लड बैंक ऑफिसर के रूप में, कोई भी ब्लड बैंक जो है ये ट्रस्ट चलाता है, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। जो भी वहां पे विपणन जो होता है वो उसके मेंटेनेंस के लिए होता है। आपके एरिया के ब्लड बैंक में अगर ब्लड की कमी है तो ये अभिशाप है, इस बात को मान लीजिए। और कुछ लोग, और मैंने और रमेश जी ने और यहां पर मुझसे तो कहीं ज्यादा यहां पर कुछ लोग आकर ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं जैसा पता नहीं क्या डोनेट कर रहे हैं, जैसा पता नहीं क्या ये कर रहे हैं। एक वो अलग ही भाव होता है, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं किसी पर। अरे ब्लड अगर आप डोनेट करते हो कभी आपको ब्लड की जरूरत भी पड़ सकती है, समय का क्या भरोसा, समय का क्या भरोसा। आज ब्लड डोनेट करके ठीक है आपने दिखा दिया कि मैंने ये एहसान किया वो एहसान किया वो एहसान किया, कभी तुमको या तुम्हारे किसी प्रियजन को ब्लड की जरूरत पड़े तो तब तुम एक्सपेक्ट करोगे ना कि कोई बड़े हृदय वाला सामने आएगा और ब्लड डोनेट करेगा भले वो मरीज को ना जानता हो। सो इस तरह का भाव रखना भी जो है वो छोड़िए। अगर किसी के मन में ऐसा भाव आता है मुक्त मुक्त स्वभाव से एक सभ्यता के एक सभ्यता के परिचायक के रूप में ब्लड डोनेट कीजिए और फिर देखिए, क्योंकि एक यूनिट ब्लड से तीन लोगों की जान बचती है। अगर पर्याप्त लोग ब्लड डोनेट करते हैं स्वस्थ लोग, भारत में जनसंख्या की स्थिति तो आपको पता ही है, अरे हम तो पूरी दुनिया को ब्लड सप्लाई कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, इतने ज्यादा युवा है हमारे यहाँ, खास करके अगर एक यूनिट से तीन लोगों की जान बचती है। तो अगर पर्याप्त लोग ब्लड डोनेट करें और इस तरह के कैंप्स अगर ऑर्गेनाइज हो, पूरे देश में कभी भी खून की कमी जो है वो नहीं पड़ेगी। परंतु एक सभ्य समाज में एक लेडी की मौत हो जाती है डिलीवरी के दौरान, उसकी ब्लीडिंग हो जाती है और उसको ब्लड नहीं मिलता, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समाज के बारे में क्या कहेंगे आप। किसी का एक्सीडेंट हुआ है युवा का और उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला, किसी ने डोनेट नहीं किया था और उसकी मृत्यु हो जाती है सिर्फ इसलिए कि ब्लड नहीं था, ऐसे समाज को क्या कहेंगे आप। इसलिए आप सबसे एक गुजारिश है, हमने संस्कारों की बात की थी, संस्कार यानी अच्छा कार मतलब कार्य, संस्कार यानी अच्छा कार्य, इतने सारे अच्छे संस्कार आपने बताए। यहाँ पर जो है वो राष्ट्रगीत डेली गाया जाता है, ये सब किया जाता है। एक और संस्कार, मेरी सलाह है
जो जूनियर्स हैं मेरे इसको आदेश समझ लें, जो मेरे सीनियर्स हैं मेरी सलाह समझ लें, मेरा अनुरोध समझ लें कि जब भी कोई अच्छा कार्य हो घर पे, जब भी कोई खुशी का मौका हो घर पे, ब्लड बैंक जाइए सुबह और एक यूनिट ब्लड डोनेट कीजिए शाम को सेलिब्रेशन। बच्चे का बर्थडे है, बच्चे का फादर बच्चे को साथ में लेके जाए सुबह ब्लड बैंक, बच्चा देखे पापा ने ब्लड डोनेट किया, क्योंकि अभी वो छोटा है वो खुद डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन उसको पता है कि एक तरफ सेलिब्रेशन है तो एक तरफ जिम्मेदारी भी है। और जब वो बड़ा हो जाए, 17 साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए, तो ये संस्कार घर में पड़े कि सुबह ब्लड डोनेट करना है, शाम को केक कटेगी, पार्टी होगी, सब कुछ होगा, तब जाकर के इस देश में वो लेवल आएगा जिसकी बात जो है अभी अशोक जी जो बोल रहे थे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आखिरी बात आज की बस में बोल रहा हूं, ज्यादा समय आपका नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सबका हो रहा है, सबको टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण के बाद में 14 दिन तक आप ब्लड डोनेट, टीकाकरण के बाद आप 14 दिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और उसके बाद में बूस्टर डोज लगेगा, तो बूस्टर डोज के बाद फिर 14 दिन आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में अगली क्राइसिस लड़की आ सकती है, क्योंकि आप चाहते भी ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन लगा है आपको, और वैक्सीनेशन तो पूरे देश का होना है, पूरे देश का होना है, फिर ऐसी अवस्था में क्या होगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि टीका लगवाने के पहले ब्लड डोनेट कर दीजिए और फिर जाकर के टीका लगवाइए, ताकि आपका ब्लड जो है 3 लोगों की जान। कहना तो बहुत कुछ है, सैनिकों ने इतने प्राण गवाए, सैनिक हमारे लिए मर जाते हैं, क्या हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जिसके लिए कोई 26 साल का युवक अपनी जान गवा दे, क्या ऐसा जीवन हम जी रहे हैं? क्या अजय शेष का जीवन ऐसा है कि मुझे बचाने के लिए कोई 24 साल का आदमी सीमा पर अपनी जान दे दे, या वो मूर्ख टाइप के लोगों के लिए अपनी जान गवा दे? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारी जान बचाने की कीमत एक युवा अपनी जिंदगी वहां पर गंवाए सीमा पर? याद रखिए, एक सैनिक का काम अपने देश के लिए मरना नहीं होता, एक सैनिक का पहला काम अपने देश के लिए मरना नहीं होता, एक सैनिक का पहला काम होता है कि दुश्मन देश का सैनिक उसके देश के लिए मरे। लेकिन यहां पर एक 26 साल का युवा अच्छा लड़का मर जाता है, किसको बचाने के लिए? हमको बचाने। हम यहां अपनी जिंदगी के साथ क्या करें? और इसीलिए जो देश की यहां पर बात की, और मैं अभी भूत था जो बातें राजा ने कही, जो बातें गोपाल जी ने कही, और अंततः तो मैं यही कहूंगा, इस देश को रक्त की जरूरत है, आने वाले समय में और भी रक्त की जरूरत पड़ेगी, कोविड काल में और भी अधिक रक्त की जरूरत पड़ेगी। अंत में यही 4 लाइनों के साथ में मैं अपनी बात की समाप्ति करूंगा कि यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं उस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं उस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, हे ईश भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए और मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से रक्तदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है अजय शेष.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी
आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।